कुदेशी, मेट्रो वन न्यूज कराची। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें कि कराची में पुलिस की सरपरस्ती में ऑर्गेनाइज्ड जुए के अड्डे जो है, जुए खाने जो है वो कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा से। जुल्फिकार पीरजादा, बता दीजिएगा कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड जुए खाने कायम कर दिए गए हैं? ये कराची में पुलिस की सरपरस्ती में ऑर्गेनाइज क्राइम का सिलसिला जारी है और ये सेकंड टाइम जो है वो एक और फुटेज मेट्रो न्यूज के जरिए जो है नाज़रीन को दिखाई जा रही है। ये फुटेज जो कि जुए खाने के अड्डे की है, जो कि पुलिस की सरपरस्ती में कायम किया गया। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जो बड़े अड्डे कायम किए गए जिसके अंदर मलीर सिटी थाना है, उधर जो है वहां पर यामार यासिर सोसाइटी के साथ ये बड़े ग्राउंड के अंदर ये बड़े पैमाने पर पुलिस की सरपरस्ती में बाजी खान नामी जो एक ठेकेदार है उसकी जानिब से जुए का अड्डा ना सिर्फ मलीर सिटी थाने की हदूद में कायम किया गया बल्कि कायदाबाद थाने की हदूद में कायम भी किए गए हैं। इन दोनों जुए के अड्डों के बारे में जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि यहाँ पर जुआ खेलने के लिए आने वालों और उनके साथ पुलिस की जो है वो निगरानी के लिए बाकायदा पुलिस एहलकार तैनात हैं और साथ साथ जो जुए के ऑर्गेनाइजर लोग हैं उनकी जानिब से पुलिस को योमिया की बुनियाद पर जो है वो 50,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना था इलाके के लोगों का कि इन जुए के अड्डों पर खुलेआम मुंशियात फरोख्त की जा रही है और पुलिस के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उन्होंने भारी नजराने के वजह अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।